guys, hope you all are doing great. This is Amy and I am here with another vlog of Ladakh. Well guys, आज मैं सिर्फ valleys and वहाँ की खूबसूरती की बातें नहीं करूँगी, well roads की भी बात नहीं करूँगी, but मैं आज आपको बताऊँगी वहाँ पे और while traveling to Ladakh आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है. और since आप एक हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में जाने वाले हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कंसिडर करनी होगी वो भी मैं आपको बताऊँगी. आप चाहे लद्दाख या तो फिर कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में जाने वाले हो, आपको ये टिप्स शायद काम लग जाए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड पहले तो एक चेकलिस्ट बना लीजिए सो एंड में आपको कुछ कुछ बाकी ना रह जाए और कुछ वहाँ पे आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े. सो सबसे पहली बात, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द लेह मनाली रूट तो आप मनाली में या तो फिर जिस्पा या तो फिर कीलोंग में दो या तीन दिन का स्टे कर लीजिए. सो दैट रीज़न यही है कि सिंस आप सी लेवल से काफ़ी ऊंचाई पर जाने वाले हैं तो आपकी बॉडी उस वेदर कंडीशंस में एडजस्ट हो जाए, उसको एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं. बॉडी को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. मैं खुद बीमार पड़ गई थी, नॉट बिकॉज मेरी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, बट वहाँ पे वेदर कंडीशंस ऐसी थी कि मैं थोड़ा बीमार पड़ गई थी. बट एनीवे, सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका पूरा रूट का प्रिंट आउट. आप पूरे रूट का प्रिंट आउट या तो डाउनलोड कर लीजिए गूगल मैप से या तो फिर एक प्रिंट ज़रूरी होती है, आपके बैग में रख लीजिए. और क्योंकि क्या पता मोबाइल का कवरेज ना मिले आपको, सो डाउनलोड करना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है. और थर्ड चीज़ है, वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी कम होती है तो ये आप एयरटेल और जियो का कवरेज अच्छा है तो आप ये कार्ड्स ले सकते हैं या तो फिर प्रीपेड कार्ड्स नहीं चलेंगे तो बिलिंग करवा लीजिए सो दैट आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का इशू ना रहे. थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिसिंस, भाई बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बीमार पड़ गई थी तो मेडिसिंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है. हेडेक, मोशन सिकनेस, माउंटेन सिकनेस, ऐसे चीज़ें हो सकती है. ये रूट्स वैसे हैं तो जैसे मैंने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेरी बॉडी वेदर चेंज जब होता है तो प्रॉब्लम देता ही है, कोल्ड हो जाता है या तो फिर फीवर आ जाता है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मेडिसिन ले कर चले. हम लोग ने जम्मू से श्रीनगर वाला रूट लिया था तो गर्मी भी लग रही थी, ठंड भी हो रही थी एंड बारिश भी हो रही थी, तो एक अलग ही उनका मैशअप चल रहा था, सीजन मैशअप बोल सकते हैं. तो बहुत बार ये तो हो रहा है, बट एनीवे आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि मेडिसिंस अगर आपको ज़रूरत है तो ले जाइए, डॉक्टर को पूछ के ले जाए कि आपको कौन कौन सी मेडिसिंस काम लगेगी. बिकॉज ये रोड ट्रिप है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एनीवे, फोर्थ पॉइंट होगा, सिंस ये रोड ट्रिप है, कार में जा रहे हैं या बाइक में जा रहे हैं, दोनों की कंडीशन एक बार आप चेक कर लो एंड बाद में ही आप घर से निकले. मतलब कार या बाइक दोनों की अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, बिकॉज़ आप देख सकते हैं पीछे मेरे वीडियो में जो चल रहा है रोड कैसी कैसी हो सकती है एंड रोड कंडीशंस कभी कभी बहुत ख़राब भी हो सकती है, ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ सकती है. तो उस हिसाब से आप कार या बाइक की कंडीशन रखें और डेफिनेटली चेक कराते रहें अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही हो तो. ठीक है गाइस, फिफ्थ है, लेह मनाली रूट से अगर आप जा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करके जाएं, बिकॉज सी दूर दूर तक वहाँ पे पंप्स आपको नहीं मिलेंगे और रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी कम मिलेगी, तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा कैश, एक्स्ट्रा फ्यूल और ये सब कैरी करके जाएं. सिक्स्थ है, अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो थोड़ा क्लोथ वगैरह कम कैरी करें, सामान थोड़ा कम कैरी करें. मेरी तरह अगर आपको बहुत ठंड लगती है तो एक एक्स्ट्रा जैकेट कैरी करना ज़रूरी भी होता है,
बट ट्राई एंड अवॉइड कि आप कम लगेज कैरी करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर एट पॉइंट वही है कि आई वुड सजेस्ट कि आप रात को ट्रैवल ना करें, बिकॉज वहाँ पे रोड्स ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले होते हैं भाई, तो यू नो ऊपर से नीचे गए तो बिल्कुल ही गए, टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। बट एनी वे, जैसे मैंने आपको कहा, एक्स्ट्रा बैटरीज, एक्स्ट्रा टॉर्च और चार्जर्स वगैरह लेके ही चलें, एंड रोड रात को ट्रैवल मत करें, ठीक है गाइस। एक रीज़न और भी है कि रात को इजीली हेल्प ना मिले आपको, और दिन में क्या है कि बहुत लोग वहाँ पे चलते रहते हैं, एंड आर्मी भी होती है तो आपको इजीली हेल्प मिल जाएगी। हमको तो भाई बहुत हेल्प मिली थी वहाँ पे। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यस इनर लाइन परमिट्स। आपका लक अच्छा हुआ तो कोई ना भी चेक करे, पर भाई इनर लाइन परमिट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। मांग लिया किसी ने और आपके पास ना हुआ तो भाई हैवी फाइन भरना पड़ सकता है, तो इट्स बेटर कि आप रखें वो। मेरे को एक जगह पे प्रॉब्लम हो गई थी, ले पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास आधार कार्ड है ही नहीं। हुआ ये कि मैंने बहुत कुछ मेरे फ़ोन से डिलीट किया था, और उस चक्कर में मेरा आधार कार्ड भी मुझसे डिलीट हो गया। बट थैंक गॉड कि वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल था और मैंने घर से मेरा आधार कार्ड वापस मंगवा लिया। एनीवे, वैसे तो मैं भूलती नहीं, बट इस बार थोड़ा गड़बड़ हो गया। एनीवे, तो 10वां पॉइंट होगा, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। यस, वेदर का वहाँ कुछ नहीं कह सकते, लैंडस्लाइड्स बहुत होती है, तो क्या है, रोड क्लियर होने में बहुत टाइम लग भी सकता है, या तो कभी आपको नाइट स्टे करना पड़ गया, ऐसा हो भी सकता है। यू नो आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज ऐसा होगा, बट ऐसा हो भी सकता है। तो ऑलवेज बैटरीज, चार्जर्स, पावर बैंक, ये सब एक्स्ट्रा रखें और ईजीली निकाल सके ऐसी जगह पे रखें। यस, टॉर्च भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्विस नाइफ, फेस वॉश वगैरह बहुत ईजी जगह पे रखें, लाइक आई सेड। एंड लास्टली आपके फोटोग्राफी गियर्स, यस ये तो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं भले प्रो पिक्स या वीडियोस ना भी ले रही हूँ, बट आई लव एंड आई एंजॉय टेकिंग द वीडियोस, सो ये भी आप एक ज़रूर इजीली निकाल सके, वैसी जगह पे रखें। एंड नाउ क्रॉस चेक द लिस्ट, सो सब ईजी रहेगा आपके लिए। एंड गाइज, ये टिप्स सबके लिए यू नो परफेक्ट ना भी हो, पर ये सिर्फ एक मेरा साइड है, मेरा ओपिनियन है, और ये मेरे 10 टिप्स हैं जो आपको काम लग सकते हैं। और अगर कुछ छूट गया है या फिर रह गया है बताने के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, सो नेक्स्ट टाइम मैं उसको ऐड कर सकती हूँ मेरे वीडियोज़ में, एंड बाकी लोगों को बता सकते हैं, राइट। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक ब्रीफ इन्फो एंड आइडिया आ गया हो कि क्या कुछ या क्या ध्यान में रखना चाहिए बिफोर गोइंग टू योर लद्दाख ट्रिप। ओके गाइस, अगर आप ऐसी किसी जगह पर जा रहे हैं एंड आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट एंड हैव द बेस्ट टाइम एक्सप्लोरिंग द हिमालयाज। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, comment, share and press the bell notification button for more videos of my Ladakh trips. Thank you guys for watching. Namaste.